यू नो मुझे डस्ट से एलर्जी है, कीप लेफ्ट कीप लेफ्ट। और ये क्या ब्लैक, देखो यार ब्लैक काला पहाड़ है, उसको तोड़ के जो है ये क्रश करके नीचे फेंक रहे हैं और पानी भी काला हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज एक और खूबसूरत सा दिन है, सुबह हो चुकी है, सनराइज अभी जस्ट हुआ है और मैं बस रेडी होने लगा हूँ, फिर निकलता हूँ आज की राइड के लिए। और आज की राइड बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, लंबी होगी, हो सकता है एक पार्ट दो पार्ट के अंदर मैं इस व्लॉग को कम्प्लीट करूँ, तो देखते हैं कितने पार्ट बनते हैं, क्योंकि राइड अच्छी खासी लंबी और आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आज की इस राइड में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम, प्यारा प्यारा मौसम, और निकल रहा हूँ मैं एक और एडवेंचर राइड के लिए। वेल, दो राइडर्स और हैं मेरे साथ जो इस राइड के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राइड कहाँ की है, राइड बहुत लंबी है, हो सकता है कि इस राइड के पार्ट ज़्यादा हो जाएं, एक व्लॉग के अंदर ये कवर ना हो। मैं पहले पार्ट के अंदर या स्टार्टिंग के अंदर मैं कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि आगे जाके क्या होने वाला है नोबडी नोज़ दैट। तो सामने वाला जो सिग्नल है फैसल एवेन्यू, एक राइडर वहाँ पर है तो वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और भैया शीशे लगा लेना भाई, पीछे मोड़ मुंडी मोड़ के तू देख रहा है। एनी हाउ जनाब, सिग्नल रेड है और वो सामने राहत भाई खड़े हैं। उसके बाद जो है हम पिक करेंगे नेक्स्ट राइडर को, पिक नहीं करेंगे मतलब जाके उनसे मिलेंगे। इस तरफ बिल्कुल भी बादल नहीं है और इस तरफ जो है बादल है, सनलाइट जो है वो डिम हो रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश हो गई तो फिर जो है काम गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़िंग हो जाएगी बिल्कुल। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, हाथ सुबह से हाथों की बैंड बज रही यहाँ तक पहुँचने में ही। एनी हाउ जनाब, मिलते हैं राहत भाई से। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बड़ी? ये वाली लाइट, ओ कैमरा बच्चे, कैमरा नहीं लगा सीधा? नहीं नहीं वो लगा है। हाँ ऐसे ना रखा करो हेलमेट कभी भी, बिल्कुल भी, इट्स वेरी रिस्की। ये मेरे वाइजर पे हाथ लगा के इसको ऊपर करें। हाँ जोर लगाओ, हो जाएगा। नहीं नहीं लगेगा। ये इस हेलमेट का फॉल्ट है। एनी हाउ टुडे दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस कुशन। वैसे बैठने में तो बड़ा मजे का है, लेकिन रात मुझे काफी टाइम लगा इसको फिट करने में। यहाँ से इसको मैंने लगा के सीट पूरी उतार के सीट के अंदर से इसको मैंने टाई अप किया, क्योंकि फॉर द नेक्स्ट टू थ्री डेज फोर डेज या एक हफ्ता मैं इसको यूज करने वाला हूँ। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि आई एम गोना परचेज दिस और नॉट। वाओ ब्यूटीफुल मौसम देखें, ऊपर बादल देखें पहाड़ों पे कैसे, वो नीला आसमान बीच में सफ़ेद सफ़ेद बादल। तो जनाब रमीज भाई यहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा, और रमीज भाई काफ़ी देर से जो है हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तभी हम रुकते हैं रमीज भाई के पास। रमीज भाई अंदर ही अंदर से मुझे बुरा भला कह रहे होंगे कि मार भाई ने मुझे कह के तो खुद लेट हो गया। मैं इधर ही रोक लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं यार लग जाने से बड़ा नुकसान हो जाता है, बाइक्स बहुत महंगी हो गई हैं। मैं तो हेलमेट नहीं उतारने लगा क्योंकि हेलमेट बाद में पहनना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा चलो यार अपने नए वाले मोबाइल से जो है व्लॉग शूट कर लेते हैं, मोबाइल भी टेस्ट हो जाएगा, इसकी ऑडियो वीडियो बहुत टेस्ट हो जाएगी। वैसे ऑन स्क्रीन तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम अपनी जो है इंटरकॉम डिवाइस को कनेक्ट करने लगे हैं, क्योंकि इट्स गोना बी अ लॉन्ग लॉन्ग डे, तो कनेक्ट होंगे तो जो है सफ़र का मज़ा आएगा, गप्पे मारते हुए जाएंगे। और देखिए डिवाइसेस को पेयर करने के लिए ट्यूटोरियल कौन सा देखा जा रहा है, वो इधर कहने सर ये देखिए तो भाई जिंदाबाद हर जगह। क्या हो गया? ओ ना करो यार। लग जाएगा इसके ऊपर सिंगल के ऊपर।
यार लगेगा बट इट्स वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि हीरो 9 है, इसका इसका वेट भी ज़्यादा है ना, बहुत अच्छा खासा वेट है। आज नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, अल्लाह खैर ही करे। ये यहाँ से टूट गया जी, राहत ने कैमरा निकाला अपना। तो इजलू ग्रेट क्रॉस करने के बाद ये वाली जो रोड है ना, ये बड़ी कमाल की है। इस पर राइड करके कॉर्नरिंग करके मज़ा आ जाता है। और रात के टाइम पे इस रोड पे जो कैट आईज हैं बिल्कुल नई नई लगी हुई है ना, तो रात के टाइम पे बड़ी फिट किस्म की ये ग्लो करती हैं, रेड ऑरेंज और वाइट कलर की। सेंटर में बिल्कुल वाइट है, रोड पे एक ऑरेंज है, एक रेड है, फिर एक ऑरेंज एक रेड, तो बड़े कमाल की जो है ना ग्लो करती जब इन पर लाइट पड़ती है। वो सामने वाला रेड कलर का जो नज़र आ रहा है ना छत सी, वो मखनियाल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। इसका भी कभी विज़िट करूं यार, हमेशा यहाँ से गुजरती हूँ देखता हूँ, लेकिन यकीन करो मैंने आज तक इसका विज़िट नहीं किया। किसी दिन स्पेशल इधर ही आता हूँ यार। इसके पीछे भी एक ट्रैक है, ये जा रहा है रास्ता मखनियाल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ। बड़ा प्यारा सा जंगल के अंदर रास्ता है, तो इंशाल्लाह इसका मैं टूर करता हूँ बहुत जल्दी। जिग जैग पे हम आ गए ये भी काफ़ी बड़ा मज़े का पैच है। आपको मैं ऊपर से ड्रोन शॉट्स दिखा रहा हूँ साथ साथ, आप चेक करें कितना मज़े से जिग जैग है और हम इस कितना मज़े से इस ट्रैक पे जा रहे हैं। चेक दिस आउट, कमाल क्या है यार, कमाल क्या है। आप नीचे से राइड करती हो आपको फील ना आती, लेकिन ड्रोन जो है बड़ा फिट ऊपर से दिखाता है कि किस तरह ये एक प्रॉपर जिग जैग बना हुआ है। इट्स वंडरफुल यार, वंडरफुल। ये मैं जूम कर रहा हूँ, चेक कराता हूँ आपको कि क्या मोबाइल का कैमरा दिखाता है या नहीं। इससे ज्यादा जूम नहीं कर रहा वरना पिक्सलेट हो रही है पिक्चर। ये देखें सामने, ये वाला चेक करें कैसे बर्फ पड़ी हुई है। सो जनाब कैसा लगा व्यू आज हमारे नए मोबाइल से व्लॉगिंग हो रही है, इसके लिए आपने एक लाइक ज़रूर करना है। और मोबाइल कौन सा ये मैं आपको बता दूंगा, और इसलिए मैंने आज GoPro को बार बार उतारने वाली टेंशन ख़त्म। ये रोड चेक करें पीछे कितना फिट आ रहा है मोबाइल के अंदर, कमाल का यार सीन चेक करें। अभी हम उस रोड पर राइड कर रहे हैं जिसको हम ऊपर से देख रहे थे, वो वहाँ कहीं ऊपर हम वो सामने ऊपर हम खड़े थे जहाँ से मैंने आपको दिखाया। और आसमान बड़ा प्यारा प्यारा है आज, वाइट और ब्लू हुआ हुआ है, लेकिन ठंड अच्छी खासी है यहाँ पे। हम फुली नीचे आ चुके हैं, एक तरफ हमने माउंटेन को क्लाइम किया है, फिर हमने फुल नीचे उतरे हैं हम, और उसके बाद अभी हमने दोबारा जो है क्लाइम करना है। लेकिन फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग हम इन पहाड़ों के बीच में राइड करेंगे, उसके बाद कोहाला के बाद से जो है हम फिर असेंड करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फ़िलहाल यह कि हमने मागला हिस्स को क्रॉस करके हम उसके दूसरी तरफ आ चुके हैं। ये दरख्त चेक करें, ओके जनाब हम पहुंच गए कोहाला बाला। ये अल मदीना रेस्टोरेंट है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको भी देख लो साफ सुथरा होगा, उधर जगह है बैठने की। रमीज टर्न करें ज़रा इससे पता करें। चलें जी, ये है कोहाला बाला की मार्केट, ये आप चेक कर लें, ठीक ठाक बड़ा एरिया है ये, इस पूरे उसमें काफ़ी बड़ा शहर सा है ये। फर्नीचर भी बन रहा है जगह जगह, वो नीचे पीछे दुकानें भी थी। वेल जनाब अभी हम पहुंच चुके हैं कोहाला बाला में, और यहाँ पे हम करने लगे हैं नाश्ता, क्योंकि सुबह से नाश्ते के बगैर राइड कर रहे हैं, और नाश्ते के बगैर वाली जो राइड होती है ना वो बिल्कुल भी मज़ा उसमें नहीं आता। दिल्ली रियाज में जब आप इस तरह की राइड करते हैं तो आपको चक्कर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, और मेरे साथ तो वेल ये मसला होता, हो सकता है आप लोगों के साथ ना होता हो, तो इस वजह से जो अभी यहाँ पे नाश्ता करेंगे, फिट सा नाश्ता बोल दिया है। सो नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कोहाला बाला से। मैं आपको बता दूँ कि कोहाला बाला ही वो पॉइंट है जहाँ से अगर हम सीधे रोड पर जाएँ तो जबरी की तरफ निकल जाएंगे, जबरी से होते हुए फिर सज्जी कोट, नूरी वाटरफॉल और अम्ब्रेला, ये सारे ट्रैक्स उस तरफ जाते हैं। और अगर हम यहाँ से राइट लेके जाएँ तो ये हमारा जाता है जनाब लोरा, लोरा हज़ारा की तरफ, वहाँ से घोड़ा गली से होते हुए मरी की तरफ रास्ता निकलता है। तो अभी करते हैं नाश्ता। ओके जनाब नाश्ता वगैरह हो गया,
आई होप कि आपको टाइम लैप्स जो है पसंद आया होगा। अब यहाँ से हम लेंगे राइट टूवर्ड्स लोरा हज़ारा। चले जी यहाँ से बाज़ार हो गया ख़त्म, अब मारें थोड़ी सी स्पीड क्योंकि टाइम जो है नाश्ते में हमने अच्छा खासा लगा दिया। चले जी अब ड्राई साइड स्टार्ट हो गई है, अब वो जंगलों वाला सीन ख़त्म हो गया है, अब हम बिल्कुल ड्राई माउंटेन्स के दरमियान में राइड कर रहे हैं। इस ब्रिज के बाद हम इंटर हो चुके हैं तहसील लोरा में और अब यहाँ से जो है मेरी फेवरेट वाली रोड स्टार्ट हो गई है, थोड़ी बहुत ऑफ रोड यू नो। और थोड़ी बहुत पक्की कच्ची मिक्स सीन है जो कि मैं एंजॉय करना चाहता था लेकिन स्टार्टिंग से जो रोड पक्की देखी तो मुझे एक बार थोड़ा सा ना मतलब बोरिंग सा फील हुआ कि यार ये तो पक्की रोड लग रही है, लेकिन इस तरह की जो थोड़ी बम्पी रोड होती है उस पर राइड करके आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, आप बोर नहीं होते। ये वाली रोड जो आपको बोर नहीं होने देती। ये देखिए बीच में ऑफ रोड पैचेज आ रहे हैं, तो इस तरह हम इस राइड को ज़्यादा अच्छे से जो है इंजॉय करेंगे। एनी हाउ इस जंप वाले उसमें जो मैंने कुशन सुबह आपको दिखाया था ना, वो कुशन बड़ा परफेक्ट काम कर रहे हैं, मतलब वो एक किस्म की आपको एक्स्ट्रा जो है वो आपको सस्पेंशन दे रहा है, जाम झटके भी थोड़े कम फील हो रहे हैं। तकरीबन 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कर लिया है और मेरे घर से जो है गूगल मुझे बता रहा था घोड़ा गली का ट्रैक जो है वो 70 किलोमीटर है, तो 60 कर लिया है तो इट मीन्स कि बस 10 किलोमीटर रह गया है तो ये वाला जो ट्रैक है वो ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आप सामने ना वो दूर से मरी वाले पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए, बर्फ़ वाले गोप्रो में शायद नहीं आ रहे हो नज़र, लेकिन अब वो जो है पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए फुल बर्फ़ से ढके हुए। यस ये है जनाब गंभीर। अस्सलाम वालेकुम, ये किधर जाती है रोड, ये किधर निकलती है पिंडी? हाँ ब्रोहा, हाँ छतर पार्क निकलती है। चले ठीक है थैंक यू जी। ओके जनाब स्विच कर लिया मैंने कैमरा अपना न्यू रेडमी नोट 10 प्रो, मैं आपको बताना ही भूल गया था मोबाइल का, चेक करें मैंने कहा यार इससे ज़रा आज शॉट लेके देखते हैं। वो उधर से हम आए उस रोड से ऐसे। ओके जनाब यहाँ से रोड हो गई है बिल्कुल सीधी, लगता ऐसा कि जैसे अब हम घोड़ा गली के बिल्कुल करीब हैं और अकॉर्डिंग टू हमारा जो ट्रिप मीटर है हमें अब पहुंच जाना चाहिए। किधर रह गया जी घोड़ा गली, आ जाओ अब। ओह माय गुडनेस सामने का व्यू चेक करें जनाब, सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत पहाड़ है यार, बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ है और समर में तो क्या ग्रीन ग्रीन होता होगा, ये कमाल का नज़ारा था यार। ये मुझे रास्ता क्यों लग रहा है ये तो मैं गांव के अंदर लेके जा रहा है, मे बी वहाँ से फिर हमने माउंटेन क्लाइम करना है और फिर घोड़ा गली आएगा, आई डोंट नो क्या सीन है, देखते हैं आगे जाके। एक और छोटा सा जो है पुल हम क्रॉस कर रहे हैं, इंतहाई खस्ता हालत है। ओके जनाब लोरा से हम निकल आए हैं लोरा हज़ारा से और यहाँ से राहत ने डलवाना था पेट्रोल तो उसने डलवा लिया पेट्रोल और अभी किधर जाना है, इधर जाना है मेरे ख्याल में क्योंकि कोस्टर जो है इधर जा रही है।
चलो रमीज कह रहा है कि इधर ही जाना है, उसको शायद इस रास्ते का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो चले देखते हैं जी अब कितना टाइम लगता है। बाय द वे 1:15 हो गए हैं, 1 तक अगर हम ऊपर पहुंच जाते हैं ना तो वापसी में फिर जो है कि पार्ट 2 के अंदर मैं आपको अच्छी रोड जो है दिखा सकता हूँ, नया रास्ता मतलब दिखा सकता हूँ, सेम रास्ते से फिर हम वापस नहीं आएंगे, वो वाला एडवेंचर हमारा ज़्यादा अच्छा होगा। चलें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, होपफुली इस व्लॉग को जाके मैं एंड करूँगा इंशाल्लाह घोड़ा गली में। बस बर्फ़ के साथ एक पिक्चर हो जानी चाहिए भाई, आई डोंट लाइक स्नो फॉलिंग और स्नो, मतलब पसंद है मुझे लेकिन इतनी नहीं पसंद, तो इसलिए पिछले 2 सीज़न गुजर चुके हैं, मतलब पिछले साल भी इस साल भी मैंने कोई ऐसा टूर नहीं किया। पीर चिनासी में मैं जो है आउट ऑफ नोवेयर, हालांकि वो उस टाइम कोई सीज़न नहीं था, मार्च के महीने में भी जो है मैं स्नो फॉलिंग मिल गई थी और अच्छी खासी हमने स्नो एडवेंचर कर लिया था। सर यहाँ से मैं आपको हेलो करूँगा दोबारा, यू नो मुझे डस्ट से एलर्जी है, कीप लेफ्ट कीप लेफ्ट। सर इधर मैं नहीं रुकता ऐसे ट्रैक पे, तो पता ना मैं कैसे भागता हूँ। ओए ये क्या ब्लैक, देखो यार ब्लैक, ओए काला काला सब कुछ भाई, ओए ये सामने चेक करो जी, काला पहाड़ है, उसको तोड़ के जो है ये क्रश करके नीचे फेंक रहे हैं और पानी भी काला हुआ हुआ है। हाँ ओए ये सीन मज़े का था भाई। अच्छा ये सारा यही इन्होंने डाला हुआ है साइड्स पे भी ना, सर हम तो हमेशा ट्राई करते हैं, पिछली सस्पेंशन आपकी फ्री हो जाती है ना तो बाइक बड़ी मज़े से उठती है पीछे से, लेकिन यह कि ऑफ रोडिंग में खड़े होने से पहले आप गियर एडजस्ट कर लो, क्योंकि खड़े होके गियर लगाने लगे ना तो बाइक एक तरफ वेट जाएगा और अनबैलेंस हो जाओगे आप, ना ब्रेक लगानी है पिछली ना ही आपने गियर लीवर पर प्रेशर डालना है, वरना बाइक फौरन अनबैलेंस होती है। चेक करें जी ये रोड नीचे, इसी रोड को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं और इसी के ही जो है ना आपने क्लिप्स देखे ऑफ रोड वाले, ओ वो देखें वहाँ से ऐसे आते आते, ये चेक करें जी, और ये चेक करें जनाब फॉरेस्ट फायर सैडली, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनाब जंगल के ऊपर आग लगी हुई है, आई डोंट नो क्या रीज़न है इसकी, इट्स वेरी बैड थिंग। फाइनली घोड़ा गली एंटर हो चुके हैं और घोड़ा गली तक का यहाँ तक 80 किलोमीटर डिस्टेंस है जनाब, गूगल ने 70 बताया था, 10 किलोमीटर का जो है उसमें डिफरेंस आया था। ओके यहाँ से हम होंगे लेफ्ट मरी की तरफ, मरी 10 किलोमीटर है यहाँ से, और घोड़ा गली में जैसा कि आपको बताया था कि व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूँगा, तो बर्फ़ आगे मरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और मज़े का सीन है मरी के अंदर, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो कुछ इस व्लॉग के अंदर आपको दिखाया आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का जो पार्ट 2 है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है और इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत बर्फ़ शर्फ़ वाला सीन दिखाएंगे, इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। तो चलें जनाब आपसे मुलाकात होती है इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सो जनाब इस वक्त हम बड़े प्यारे से एक ढाबे के पास रुके हैं, आज तो हमने यहाँ से कुछ खाना पीना नहीं है लेकिन वैसे रुके, मैंने कहा व्लॉग को एंड कर दे, तो ये हम सीधी रोड पे आ गए घोड़ा गली क्रॉस करके और हम आगे जा रहे हैं मरी की तरफ।